लाली लाली होठ वासे चुवता वे लाली, लाली लाली होठ वासे चुवता वे लाली, अमर पाली रे अमर पाली रे, मन करे कच देना खाली, अमर पाली रे मन करे कच 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 देना खाली। नमस्कार प्रणाम, हम बानी बिजुरिया, उहे बिजुरिया जेके लागे ना के हुके नजरिया, और स्वागत कर रहल बानी रहुआ सभी लोगन के हमनी के खास प्रोग्राम जेका नाम बा आ गईली राव बिजुरिया। तो दर्शक लोग, आज का जो हमारा रिपोर्ट है यानी बिजुरिया का रिपोर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो काहे है, अरे हम बताएंगे तो आपको भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। जी हाँ, आपको हम बता दें कि भोजुट के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ और उनका दिल की रानी आम्रपाली आए दिन सुर्खियों में आते हैं, कहीं इनके बीच का कोई कनेक्शन तो नहीं है। अरे हाय दैया, कनेक्शन तो है, अरे कहीं आप लोग कुछ अलग तो नहीं सोच लिए। जी हाँ, कनेक्शन तो हर किरदार का होता है एक दूसरे के साथ, तो इनका भी है एक दूसरे के साथ, लेकिन दोस्ती वाला कनेक्शन है। दर्शक लोग, काहे आप लोग लव लाइफ में घुस जाते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि आम्रपाली और दिनेश लाल यादव निरहुआ की बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है। इतनी अच्छी बॉन्डिंग है कि दोनों की जो फैमिली है एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है। और सबसे खास बात रहुआ को हम बता दें, क्या बताएं, बता रहे हैं, रुकिए, दिनेश लाल यादव निरहुआ की जो बेटी है अदिति, जो कि आम्रपाली को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है, और आम्रपाली निरहुआ की दोस्ती तो इतनी अच्छी है कि टिकटॉक से लेकर म्यूजिक लीज से लेकर हर जगह इनके दोस्ती के जो पर्चे हैं ना दिखते हैं, क्योंकि ये साथ साथ वीडियो भी बनाते हैं और साथ साथ अच्छी फिल्में भी करते हैं जिनको दर्शक लोग भारी मात्रा में देखने के लिए सिनेमाघरों में लंबी लाइनें लगाते हैं। तो आपको बता दें कि इनकी जो दोस्ती है वाकई में दोस्ती है, यहाँ पे कोई प्यार नहीं है, लेकिन प्यार है तो दोस्ती वाला प्यार है, ना कि वो वाला प्यार। तो दर्शक लोग, आप लोग बताइए, हमको पता है आप लोगों को अपने प्यारे जो चहेते सितारे हैं उनकी लव स्टोरी जानने का बहुत ही ज़्यादा मन होता है, हमको पता है। तभी तो देखिए, आपको हमने बता दिया कि दिनेश लाल यादव निरहुआ आम्रपाली के बीच में जो प्यार का रिश्ता है वो कुछ और रिश्ता नहीं बल्कि दोस्ती का रिश्ता है, जो कि आप सभी लोगों को खुद ही देखने को मिलता है इनके फिल्मों में। जी हाँ, इनकी बॉन्डिंग आपको बताती होगी, इनके बीच की जो दोस्ती है वो कहाँ पे आपको कहाँ जाकर फिट नजर आती है, हमको पता है आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो दर्शक लोग, आप लोग हमको अपनी बिजुरिया को ये बताइए कि अगली बार आप किस स्टार की स्टोरी जानना चाहेंगे, बताना है ना, कहाँ बताएंगे, अपनी बिजुरिया को बताइए। News24 यूपी उत्तराखंड के चैनल के लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके, और हाँ कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं कौन स्टार के, जी हाँ किस स्टार का आप लव स्टोरी जानना चाहते हैं अपने बिजुरिया के मुंह से। बिजुरिया बूम।